दोस्तों, आपका अपना प्यारा चैनल एमपी जोन पर स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिसत्ता। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और इसके बेल आइकन बटन को दबा दें। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को देखें और उसको सीखें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहता है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई माइनस एक्स बटे वाई एक्स बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, x जो है वो y से 20% कम है, y से 20% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि x और y, अगर y 100 है तो x आपका हो गया 80, अगर इसको काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, अर्थात x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं, y और माइनस x दिया, y का वैल्यू आपका 5 है, x का वैल्यू 4 है, अब y का वैल्यू आपका फिर से 5 है, आपका वैल्यू निकल गया 1/5। दूसरा वैल्यू दिया हुआ x, x का मान आपका दिया हुआ है 4 बटे, फिर आपका x का मान 4 है और y का मान 5 है, आपका 4 बटे माइनस 1 हो गया, अर्थात माइनस 4। हम लोग देखते हैं, एक मान आपका 1/5 और 1 माइनस 4 आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं, दूसरा दिया हुआ आपका कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, अर्थात समान है, पहले इसको निकालेंगे x का, तो x का आपका हो गया 8%, x का 8% मतलब 8/100 और y के 4% के बराबर, y बटे 100 हो गया 4/100, आपका y x बटे y अर्थात 4/8 आ गया, 1/2, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ रहा है। अब क्वेश्चन कहता है x का 20%, x आपका 1 है तो 1 का 20% जब निकालेंगे तो 20/100 अर्थात 1/5, इसका मतलब आपका 1/5 निकल के आया। अब आगे कहता है कि ये जो है मान किसके बराबर होगा, y के अगर पहला निकलते y के 10% के, तो y का मान दिया 2, तो 2 का 10% में 10/100 कट गया, ये 2 से 5 बार में, तो हम लोग देख रहे दोनों मान आपस में क्या हो रहा, बराबर हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। इसका मतलब यहाँ जो मान दिया रहेगा इस तरह क्वेश्चन वो लिख दीजिए, गुने 100 अबटे, चूँकि कम है तो 100 में 25 कम है तो 75 हो गया, कट गया 3 बार में, इसको जब भाग लगाएंगे तो 33.1/3% आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया तो परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपका 5/3 और गलती से क्या होगा 3/5। अब इसको देखते क्रॉस करके तो 25 3 9 दोनों में त्रुटि हो रहा 16 का, 16 × 100 और बटे 25 चौका 100 16 चौका 64 अर्थात 64% का त्रुटि हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, क्वेश्चन पाँचवा कहता है कि C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने परसेंट अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग A B में तुलना कर लेते हैं, B की आय A की आय से 25% अधिक है, अर्थात A B और C, पहले A B में कहता है B की आय जो A की आय से 25% अधिक है, अगर A 100 है तो B 125 है। आगे क्वेश्चन कहता है C की आय जो B की आय से 20% अधिक है, तो C का आपका 125 × 120/100, इसको जब काटेंगे तो 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, ये कट जाएगा आपको 3 बार में, 4 × 3 = 30, 30 × 150। अब क्वेश्चन कह रहा था सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, अगर ए और सी में देखें तो 50 का डिफरेंस चल रहा है, 50 × 100 / 100 ये कैंसिल हो गया, अर्थात 50% का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कहता रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे में 10% दर से घटती है, अगले घंटे स्थिर रहती है और फिर अगले घंटे 2 घंटे में जो 5% दर से वृद्धि होती है, तो मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी, तो 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या कितनी होगी। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे जो संख्या दिया उसको ले लीजिए। अब कह रहा है कि पहले 2 घंटे जो 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब 110/100 × 110/100, फिर आगे का था अगले घंटे में जो वो 5% 10% घटता है अर्थात 90/100, फिर अगला घंटा स्थिर रहता है, फिर आगे 2 घंटा जो 5% बढ़ता है 105/100 × 105/100, अब इसको कट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया,
इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। फिर आगे देखते हम लोग, तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया और आपका ये 20 से एक ये कट गया आपका 21 बार में, ये कट गया 20 बार में। फिर आगे देखते यहाँ से ये कट रहा है आपका 5 × 10, 5 × 21 बार में, इससे ये कट गया आपका 2 × 4, इससे ये काटेंगे 10 बार में। अब गुना करेंगे आपको 121 गुने 9 गुने 441 बटे 10। इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका जो पूरा वैल्यू आएगा, इसको गुना करके और इसे भाग लगाएंगे तो अप्रॉक्स में वैल्यू आपका आएगा, तो आएगा 48025, ये आपका आंसर आएगा।